हरिओम। आज 4 तारीख है, 4 जुलाई। आज गीता की अनुचिंता श्लोक नंबर हम 6 देखेंगे और थोड़ा सा बड़ा है श्लोक, इसलिए कुछ समय लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है आज। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवै रण नदी कैवर्तक केशव। इस श्लोक छंद जो है शिखरिणी छंद है, इसमें रूपक दिया गया है एक नदी का। अच्छा, इस नदी में अनेक घटक तत्व तो होते हैं। एक तो घटक तत्व तो होते हैं नदी के, दो बेला होती है, दो तट होता है, तट बेला भूमि अलग है तट। फिर उसके बाद उसका जल होता है, फिर उसके बाद वो नदी में कुछ उत्पन्न भी होता है। यहां कहते हैं नीलोत्पल होता है, उसको देखेंगे। शल ग्राहवती रहता है, ग्राह मकर आदि, प्रवाह भी होता है, और बेला भूमि रहती है जो बाली जिसमें रहता है, मकर आदि रहते हैं, और हुईरपुल वर्तिनी वो भी रहते हैं, और उस नदी में एक नौका भी रहता है। फिर नौका में लोग बैठते हैं पार होने के लिए, और नाविक पार करता है। बस इतना ही है। अब देखना, जो नदी है वो कहते हैं महाभारत रूपक नदी है, सारण नदी। शब्द के चयन देखिए मधुसूदन सरस्वती जी के, सारण नदी। ये जो महाभारत रूपक रण नदी है, इस नदी को तो कोई पार करेगा ना? कौन? कैवर्तक केशव। पहले कहा गया था दोगधा गोपाल नंदन हो कृष्ण के लिए, अब कह रहे हैं नदी है ना, अभी फिर गोपाल नहीं चलेगा, अभी क्या चलेगा? कैवर्तक केवट है, कैवर्तक केशव, इसको पार कर रहे हैं पांडव ही, पांडव के लिए, पांडव को पार कर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन के सारथी बने, पार्थ सारथी, पार किया। सोतीर्णा खलु पांडवे, खलु माने निश्चित, अच्छी तरह से पार करा गया। अब जब नदी में ये सब घटक तत्व तो होते हैं, पार करवाना पड़ता है, तो क्या तट जो होते हैं दो प्रकार के, उसमें दोनों को ही पार करना पड़ता है तट को, एक तट पार फिर दूसरे तट पार, जब पार हो गया फिर जाएंगे स्थल भूमि को। यहां कहते हैं भीष्म द्रोण तट। भीष्म यहां पर व्यक्तित्व तो नहीं देखेंगे, शब्द को देखना है, उन्होंने संरचना की, और कौरव पक्ष में है, व्यक्ति के दृष्टि से जब व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर, मगर भीष्म का अर्थ है भयंकर, भय। तो ये इसको आध्यात्मिक रूप में तो देखना है, पांडव माने हम ही लोग हैं, भगवान कृष्ण पार करते, वही व्यक्ति पार हो जाता है जिसने भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया। एक बार भगवान को समर्पण कर दिया तो भगवान क्या करते हैं? सब पार करा देते हैं। ये जो सब आते हैं ये नदी में, फर्स्ट आता है तट, तो भय रूपक तट। जीवन में भय जब रहता है तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, भयाद वही भय से, द्वितीयाद वही भयम् भवति, द्वितीय से ही भय होता है। नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। अच्छा, सेकंड जो अर्थ है ना, माने द्रोण है परिच्छिन्न अल्प, तो देखो मनुष्य के अंदर भय भी रहेगा तो भी सुखी नहीं हो सकता है, क्यों? उद्वेग होगा, और अपने आप को अल्प सोचेगा, लिमिटेड सोचेगा, तो भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है।
इसलिए भीष्म द्रोण अर्थात भय और परिच्छिन्न से परे जाए। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, वो जो नदी का जो जल है वो जयद्रथ है। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन के जो बेहिन है दुशला, उनका पति है। और जयद्रथ को अर्जुन को मारने के लिए बहुत कठिनाई हुई, तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के, सूर्य से पहले मैं मार दूं, अस्त अस्त हो गया। फिर भगवान ने लीला क्या कहा था, ये है जयद्रथ। जयद्रथ सब कौरवों के सैन्य का द्वारा अच्छा दिन था, घेरा हुआ था, निकल ही नहीं रहता, तो मारेंगे कैसे? वो तो निकल गया कि सूर्य अस्त हो गया करके दौड़ने लगा। अब अर्जुन ऐसे करेगा तो भगवान कृष्ण ने बता दिया ये जल है बड़ा कठिन है। गांधार नीलोत्पल, देखो अब कहानी पहले गांधार के बारे में सुनिए। गांधार कौन है? शकुनी, सुबल पुत्र शकुनी। देखिए शकुनी खुद गांधार देश का है, गांधार जो अफगानिस्तान है, अब वहां से ही आया था, क्योंकि उनके जो बहिन है गांधारी है वो विवाह किया था धृतराष्ट्र से। वो आया था, कहानी बहुत सुंदर है कि वो रियली कौरव को नाश करने के लिए आया था, मगर ऊपर से दिखाता था मैं कौरव के पक्ष में हूँ, दुर्योधन के पक्ष में हूँ, तो बाहर आया हुआ है। इसका अर्थ क्या पता है? जीवन में कुछ ऐसे चीजें हैं जो अंदर से नहीं वो बाहर से आता है, सम हमारे अंदर से नहीं वो बाहर से आ जाता है। वो शकुनी नीलोत्पल कहा गया, अर्थात पानी के रंग इस उत्पल में है, तो ये जो दुर्गुण है उसका रंग इसमें भी है। और एक नदी में उत्पल नहीं होता, उत्पल माने पता है नीलोत्पल, उत्पल माने पद्मा, तालाब में होता है, सरोवर में होता है, नदी में नहीं होता है, पर दिखाई देता है उसके जो तरंगे वैसे दिखाई देता है कि कोई पद्म फूल है। इस प्रकार के गांधार बाहर के हैं। तो जीवन में जो विषय सुख है ना, विषय में सुख नहीं है मगर दिखाई देता है, तो गांधार कौन है? विषय सुख नीलोत्पला। फिर उसके बाद कहते हैं शल्य ग्राहवती, शल्य जो इनके मामा थे, और वो ग्राह कुंभीर आदि, संसार रूपी रण नदी में ये जो शेल है, जो दुख रूप है, ग्राह है, कुंभीर है, ग्राह का जो ग्रहण करता है, जो पकड़ लेता है, कृपेण बहन, कृपाचार्य जो है, कृपा माने ममता, अगर सब शब्दों को ही देखना है व्यक्ति को नहीं, तो हमारे जीवन में जो दुर्गुण है वो कौरव है, तो बहनी अर्थात ममता, ममता ही प्रवाह है, स्रोत है जीवन में, ये जो ममता हम रखते हैं ना ये प्रवाह होता है, विषय के प्रति जो ममता होती है बस हमारे अंदर प्रवाह होता है, वृत्ति का प्रवाह है मनो के, कहते हैं कृपेण बहने कर्णे न बेला कुला, जो कर्ण है ना वो सीमा है, वो बेला भूमि है, कर्ण को युद्ध से परास्त करना बहुत कठिन है, तो जीवन में जो सीमा है वो बेला भूमि है, उसको अतिक्रम कर नहीं सकते हैं। और कर्ण का अर्थ देखिए कान, श्रवण, तो श्रवण जनित जो संस्कार है, श्रवण जनित संस्कार को भी कठिन है करना पार। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा और विकर्ण, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, विकर्ण दुशासन के भाई, दुर्योधन के भाई है, कौरव में आता है, ये दोनों घोर मकर है। ये तो अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकर है जो ग्रास कर लेता है और विषय चिंतन करके राजत्व तो करता है मनुष्य उसको। फिर लास्ट में बताते हैं ये दुर्योधन कौन है, ना दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन आवर्त है, भौरा है, घूर्णन है, जो हुई पोल है, यही काम रूप है, काम रूपम दुराग्रहम गीता में भी कहा गया है, काम रूपम दुर्योधन है ये, इसकी पार करना, इसे संसार के चक्र में मनुष्य पड़ जाता है। संसार के चक्र में मनुष्य क्या करता है?
गिर जाता है, तो ऐसे दूर कौन करेंगे ये सबको? भगवान है, भगवान कृष्ण ही दूर करते हैं। सारा नदी कैवर्त केशव, अर्थात नदी को पार करने के लिए जो विपत्ति घटक तत्व है, ये जितना सब बताया, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब को दूर करके भगवान पार कराते हैं। सुंदर रूपक है, भगवान के लिए प्रणाम है भगवान को, मगर भगवान के जो रोल है, भगवान भक्त जो भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान कैसे पार करते हैं कहानी माध्यम से। महाभारत क्योंकि गीता है, महाभारत रण नदी है, एंड गीता के माध्यम से भगवान पार करते हैं। गीता ही उनका जो नैवर्त कैवर्तक है, जो केवट है, वो गीता दे करके मुक्त। हरिओम, आज इतना ही।